आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चिराग तले अंधेरा, ये कहावत आपने सुना होगा, लेकिन चिराग के चारों ओर कंफ्यूजन ये बड़ा नया है। नया इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव है और बिहार में चिराग है, और चिराग पासवान जिस स्थिति में चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, वो अपने आप में बताता है कि वो बहुत कंफ्यूजन वाला स्टेट है। वो सेंटर में एनडीए के साथ हैं, लेकिन बिहार में नहीं। वो नीतीश कुमार के विरोध में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ खड़े हैं। हालांकि चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोजपा के लिए, तब तो चिराग पासवान नहीं रामविलास पासवान सर्वोसर्वा हुआ करते थे, ये स्थिति पहले भी हो चुकी है। वो इन परिस्थितियों से पहले भी गुजर चुके हैं, उनके पास ऐसा करने का अनुभव है। 2005 की बात है जब वो केंद्र में सरकार के साथ थे और बिहार में उन्होंने उस गठबंधन से इतर चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी की स्ट्रेटजी क्या है इस चुनाव को लेकर, और सबसे बड़ी बात कि क्या लोजपा एक तरीके से वो डिफेंडिंग वॉल की तरह भी काम करेगी जिन्हें एनडीए में टिकट नहीं मिल पाएगा, या ऐसे समय में जब नाराज नेता किसी और दल को ज्वाइन कर लेते हैं उन्हें वो रोकने का काम करेगी, थामने का काम करेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और आज पॉडकास्ट में बात होगी बिहार इलेक्शन को लेकर, और हमारा फोकस पॉइंट होगा चिराग पासवान की पॉलिटिक्स, उसका नफा नुकसान और उससे निकलने वाले तमाम राजनीतिक रास्तों पर। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमिताभ श्रीवास्तव। अमिताभ श्रीवास्तव इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं और बिहार चुनाव को लगातार कवर कर रहे हैं। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋतुराज। कैसा लगा सर आपको मेरा इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि आपके इंट्रोडक्शन से जो पहला टेक ऑफ है कि चिराग, आप उसमें से एक टेक ऑफ लीजिए और उसको एक्सप्लेन करिए और हम अपनी बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। राइट, मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि चिराग तले अंधेरा होता है, या एक और इसमें बात होती है कि चिराग से कई बार आग भी लग जाती है अगर आप ढंग से चीजों को मेंटेन ना कर सके, उसके लॉ की देखभाल ना कर सके। तो जहां तक चिराग पासवान के अपने प्लान की बात है, तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एम्बिशियस हैं और साथ साथ बहुत एडवेंचरस भी हैं, और पिताजी से तो अपने निश्चित रूप से अलग हैं। हालांकि उनकी स्ट्रैटेजी 2005 वाले ही दिख रही है। पिताजी से क्यों अलग है? क्योंकि रामविलास पासवान जी के पास, जैसा अगर आप देखिए, आज वो एनडीए के केंद्रीय मंत्रालय में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो एक सदस्य हैं, परंतु जो उनके विरुद्ध भी लोग हैं जैसे बीजेपी या जदयू जो बिहार की यूनिट है, उसमें से किसी ने भी ये मांग नहीं की कि रामविलास पासवान जी को उस मंत्रिमंडल से हटाया जाए। पार्शियली इसलिए भी कि शायद अभी उनकी तबीयत खराब है और वो हॉस्पिटलाइज हैं, और पार्शियली इसलिए भी कि जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि उनका जो संबंध है रामविलास पासवान जी से वो बहुत पुराना है, उनका जो लगाव है और जो आत्मीय संबंध है वो राजनीति और परिस्थितियों से बियॉन्ड है। तो खैर, जब अगर वापस हम चिराग पासवान पर लौटते हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या हो सकती है उनकी स्ट्रैटेजी? उनकी स्ट्रैटेजी जो अभी दिखाई देती है कि वो निश्चित रूप से 2025 के चुनाव के विषय में देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बिहार में एक टैगॉन पार्टी की तरह ना रहे और आगे के चुनावों में वो एक बड़े दल के रूप में उभरे। उन्हें ये भी लगता है कि अब उनकी वो उम्र है कि अपने आप को बिहार में एक टॉप लीडर के रूप में, रीजनल पार्टी के लीडर के रूप में पोजीशन करें। और लेकिन अमिताभ जी, एक यहाँ पे थोड़ा सा टोकूंगा आपको जी, 4% की पार्टी कितनी बड़ी हो जाएगी एक चुनाव में, खासकर तब जब इतना बड़ा बड़ा महागठबंधन और महारथी उनके सामने है, नीतीश कुमार जैसे चेहरे हैं? इस चुनाव में बिल्कुल नहीं, इस चुनाव में मुझे उनके लिए बहुत संभावनाएं नहीं दिखती, क्योंकि अभी जो उन्होंने कहा था कि जदयू को वोट देना आपको वोट को वेस्ट करने के बराबर है, जदयू के जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं और या जो भी उसके नेता लोग हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि चिराग पासवान एक वोट कटुआ, यानी कि एक ऐसी भूमिका में है जो वोट, जिनको वोट देना वोट को बर्बाद करने के बराबर है। तो ये तो राजनीतिक रूप से एकदम क्लियर है ये बात कि चिराग पासवान कितना सपोर्ट ले पाएंगे लोगों का,
ये मुझे अभी की स्थिति में तो बिल्कुल भी सही और या बिहार बिल्कुल चुनाव की अगर खासकर बात करें तो चिराग पासवान जैसी स्थिति में बहुत सारे दल हैं आज के समय में। पप्पू यादव की पार्टी है, वहां पे बसपा चली गई है चुनाव लड़ने, ओवैसी की पार्टी वहां चली गई है चुनाव लड़ने, रालोसपा तमाम है, बसपा है, पार्टियां हैं जिनको एक तरीके से मान लीजिए, हालांकि चुनाव में लड़ना अपने आप में लोकतंत्र में हिस्सेदारी एक बड़ी बात होती है, लेकिन फिर बिल्कुल भी अपने यहाँ वोट कटवाई कहते हैं ऐसे पार्टियों को एग्जैक्टली फिलहाल के वही समय। अभी हाल में जदयू के नेताओं ने यही कहा कि चिराग पासवान को वोट देना बेसिकली वोट की बर्बादी होगी और ये वोट कटवा की भूमिका में रहेंगे। लेकिन अगर हम चिराग पासवान की अपनी स्ट्रैटेजी की बात करें तो मुझे लगता है कि इंग्लिश में एक कहावत है, पंचिंग एवर विज वेट। तो जो उनकी क्षमता है या जो उनकी स्थिति है, उनके ड्रीम्स उससे डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बड़े हैं हाँ, अभी। इतना जरूर मान सकते हैं कि कुछ सीटों पर अगर मजबूती से लड़े तो वहां वो उलटफेर जरूर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कुछ सीटों पर लड़े। बेसिकली अगर आप देखिए बिहार के इलेक्शंस की जो स्थिति है, चिराग पासवान का अगर कहीं पे कोई महत्व तो दिख रहा है तो वो यहाँ पर है कि उनके कारण बिहार का इलेक्शन अगर ट्रायंगुलर हुआ, इसकी संभावना थोड़ी कम है इसलिए कि बिहार लगातार डिसाइसिव वर्डिक्ट देता रहा है, परंतु अगर ये ट्रायंगुलर हुआ करीब 1/3 सीट्स पर भी, तो उसके कारण महागठबंधन को फायदा मिलता दिखेगा। वो इसलिए क्योंकि दोनों गठबंधनों के बीच का जो फासला है तकरीबन 20% वोटों का है, और अगर हम 2010 यानी एनडीए 21% वोट्स ज्यादा लेके 2019 इलेक्शंस जीता था, ग्रैंड अलायंस से 21% अप्रॉक्सीमेटली वोट परसेंटेज ज्यादा था, वोट शेयर ज्यादा था। अगर उसमें से 8 या 10% चिराग पासवान निकाल लें, जो बहुत संभव है क्योंकि अगर वो इतने सारे सीट लड़ेंगे और 8% वोट तो आ जाना चाहिए, संभव है क्योंकि वो कई ऐसे नेताओं को भी ले रहे हैं जो लोकल लेवल पर इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, और 8% अगर वो अपने वोटों को निकाल देते हैं एनडीए के किटी से, तो फिर थोड़ा सा जो सिचुएशन है वो ट्रायंगुलर होने की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ लेकिन पे जो मेरा एक काउंटर पॉइंट भी है आपके लिए, आप जी इसे बेहतर एक्सप्लेन करिएगा कि वो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो तम क्योंकि पिछली बार भाजपा अकेले चुनाव, अकेले नहीं मतलब नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ी थी, उन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट 157 जहां तक मुझे याद है कि जी 157 बिल्कुल कैंडिडेट उतारे थे उन्होंने, और अब की बिल्कुल बार उनके खाते में 122 121 सीटें गई हैं। बहुत सारे राइट कैंडिडेट को टिकट नहीं मिल पाएगा, वो जी नाराज भी होंगे। पहले जी उनके पास महागठबंधन का विकल्प था, अब उनके पास चिराग का भी विकल्प है, जो बिल्कुल एक तरीके से इनडायरेक्टली भाजपा के पीछे खड़े हैं, राइट तो वो उस कटाव को भी तो रोकेंगे। नहीं, मुझे लगता है कटाव को रोके। इलेक्शंस में क्या है कि जब आप इलेक्शंस लड़ते हैं तो देर इज नथिंग कॉल्ड फ्रेंडली फाइट, जो हम लोग कहते हैं कि अलायंस लिखने के लिए कई बार हम लोग भी लिख देते हैं फ्रेंडली फाइट है। पॉलिटिशियंस हमेशा ये कहते हैं कि भाई हमारा अलायंस है बट इन 10 सीटों पर हम फ्रेंडली फाइट लड़ेंगे। एक्चुअली इलेक्शंस में कुछ भी फ्रेंडली होता नहीं, या तो आप साथ हैं और या विरुद्ध हैं। और हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है विधायक बनने की, हर कोई चाहता है कि मैं जीतूं। बिल्कुल, वो दूसरों को हराने के लिए लड़ने वाला कैंडिडेट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। पार्टियों का ऐसा हो सकता है कई जगहों पर ऐसी स्ट्रैटेजी, तो मुझे लगता नहीं कि चिराग पासवान दूसरे को जिताने के लिए या किसी और को हराने के लिए लड़ रहे हैं। वो निश्चित रूप से चाह रहे हैं कि 8 से 10% वोट उनको मिल जाए, ताकि 2025 में जब उनको लगे कि नई पीढ़ी सामने आ गई है, तब वो तेजस्वी यादव के विरुद्ध एक स्ट्रांग लीडर के रूप में अपने आप को पोजिशन कर सके। लेकिन और अब 2005 में जो वो सत्ता की चाबी गुम गई थी हाँ उनके जी पिताजी के हाथ से, शायद उसकी हाँ तलाश में भी हैं। हाँ ये भी संभव है, लेकिन कई बार आप चीजों की एनालॉजी अगर आप कहानियों में ढूंढें तो आपको कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको लगेगा कि भाई ये तो उसी का एक तरह से रेप्लिकेशन है। बचपन में हम लोगों ने कई बार शेर खान और मोगली की कहानी पढ़ी थी। अगर आप ध्यान दें तो शेर खान बिना मोगली को छेड़े हुए आराम से जंगल में राज कर सकता था, परंतु मोगली से लड़ने की, मोगली को मारने की जो शेर खान की जिद थी ना, उसने जंगल में आग लगा दी। मैं यहां बिल्कुल नहीं कह रहा हूं क्या कि आपने लोजपा उदाहरण दिया है, क्या आप कहते हैं ना, क्या आपने मिसाल पेश की है। लोजपा शेर खान है और जनता दल यूनाइटेड मोगली, परंतु आग तो लगा ही दी है एक तरह से लोजपा ने, चिराग पासवान ने। ये आग क्या उनको खुद को जला देगी? इस संभावना से हम लोग बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अगर
जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेपी और जदयू ने तमाम कोशिशें की हैं 5 अक्टूबर के बाद से कि ये क्लियर एक मैसेज जाए जनता के बीच में कि अगर आप प्रधानमंत्री की बड़ाई कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बिहार के विरुद्ध बात कर रहे हैं तो आप एनडीए के हिस्सा नहीं हैं और आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से लगता है कि चिराग पासवान ने कहीं एक ज्यादा बड़ा छलांग तो नहीं लगा दी, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ उन्होंने कर दिया जो उनके लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो जाए। यूसी, अगर आप कॉन्टेम्पररी इंडिया में अगर आप इस तरह के उदाहरण देखना चाहें एक यूथ लीडर के उभरने के, तो आपको सबसे अच्छा उदाहरण आंध्र प्रदेश में दिखेगा जगनमोहन रेड्डी साहब ने। जिस तरह से उन्होंने यात्राएं की, लोगों के पास गए, घरों पे गए, उनसे मिले, तब उनका वो एक कनेक्ट ऐसा बिल्डअप हुआ कि उन्होंने स्वीप किया इलेक्शन। जगनमोहन रेड्डी ने कभी भी पार्टी तोड़ो, अलायंस तोड़ो करके नहीं जीत हासिल की है। जनता के बीच में अगर आपका कोई फॉलोइंग है जो ऑनेस्ट है, यू नो इन ऑल इलेक्शंस आप देखेंगे कि जनता के दिलों का एक स्पेस हमेशा खाली रहता है, परंतु उस स्पेस को भरने के लिए महत्वाकांक्षा नहीं चाहिए, उस स्पेस को भरने के लिए विश्वसनीयता चाहिए। जदयू का यही कहना है कि हमारे नेता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के पास वो विश्वसनीयता है, इसलिए हमें चिराग पासवान की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक है। जनता को हो सकता है ऐसे किसी व्यक्ति की आवश्यकता हो जो उनके साथ खड़ा दिखे, परंतु आप रहते दिल्ली में हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई शुरू से दिल्ली में हुई या बाहर हुई, बिहार में आपका कोई ऐसा, यू नो आप एज इलेक्शंस आपने लगातार 2 बार जीते हैं, परंतु अपने लेवल से आपने ऐसा कौन सा ऐसा काम कर दिया है, ये एज अ जर्नलिस्ट यहाँ रहते हुए भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर ऐसा उन्होंने भी ऐसा आंदोलन करा हो, लोगों के बीच गए हो, अगर आप सिर्फ एक यात्रा शुरू कर देते हैं बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट, और अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया, ट्विटर और अपने चंद स्पोक्स पर्सन के थ्रू इमर्ज करते हैं, तो आप सोशल मीडिया और अखबारों में, टेलीविजन पर नेता बन जाएंगे। मतलब लोगों के दिलों में बनने के लिए आपको इससे शायद ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है। और खासकर तब जब आपके पास एक ठीक ठाक वोट बैंक हो 4% का, और अगर आपको बिल्कुल उससे आगे स्ट्रेच करना है तो कुछ अपने आप को भी स्ट्रेच करना पड़ेगा ग्राउंड पे। एब्सोल्युटली, आपको वो कहते हैं ना, यू हैव टू वॉक द एक्स्ट्रा माइल। नीतीश कुमार जी ने अभी हाल में एक यू नो जनता के नाम पर उन्होंने एक बार, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने अपना पहला जो पॉलिटिकल रैली करी, वर्चुअल रैली करी, उसमें उन्होंने कहा कि एक समय था कि वो दिन में 12 से 14 किलोमीटर पैदल चलते थे रोज, जब वो सरकार में नहीं थे, राइट? वो लोगों के बीच जाते थे, लोगों से मिलते थे। इन सारे कई ऐसे कारण थे जिसमें नीतीश कुमार जी को लोगों ने भरोसा दिया। एज अ चीफ मिनिस्टर उन्होंने कई ऐसे कारण दिए, जैसे बिजली आज बिहार के हर घर में है, जो बिहार एक अंधकार वाला प्रदेश माना जाता था। रोड्स हैं, 83% घरों में पानी आता है पीने का। ये अपने आप में एक इतनी बड़ी लकीर है कि इससे बड़ा बनने के लिए सिर्फ मुंह से कहना चिराग पासवान जी का काफी नहीं है, उन्हें कुछ करके दिखाना पड़ेगा, उन्हें लोगों के बीच जाना पड़ेगा, उन्हें इश्यूज उठाने पड़ेंगे, और इश्यूज ट्विटर पर नहीं उठते। अगर आप ट्विटर पर वैसे भी उठते हैं तो ट्विटर पर हमारे और आपके जैसे लोग पढ़ते हैं। गांव में, बिहार में रहने वाले लोग अगर सिर्फ इश्यू उठा के आप छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। फॉलो अप जरूरी है, आप उसे कितना बिल्कुल फॉलो अप फॉलो कर अप रहे हैं। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। ये तो अभी जो स्थिति है वो बिहार में चिराग पासवान का जो मुझे प्रयास लग रहा है कि वो इलेक्शंस को, जो एक बाइपोलर इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहा था, उसको एक ट्रायंगुलर करने का प्रयास करें, अपनी आपको एज अ सॉलिड पॉलिटिकल फोर्स के रूप में इमर्ज करें, और जब पोस्ट पोल एनालिसिस में उनके पास, उनकी आशा यही है कि इतनी सीटें हो कि लोग उनको महत्व दें। तो अभी तो उनकी स्ट्रैटेजी यही है, परंतु जिस तरह से उन्होंने काम करने का प्रयास किया है, जैसे दूसरे दलों के लोगों को आप अपने आप में शामिल करा रहे हैं। हाँ, वही राजेंद्र सिंह की बात कर रहे थे हम लोग। अमिताभ जी अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं और पार्टी के एक ठीक ठाक चेहरा रहे हैं, हालांकि अब वो लोजपा में चले गए हैं, तो इस तरह के कटाव को लोजपा लगातार रोकने का तो काम कर ही रही है।
नहीं, मुझे लगता है कटाव से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये, इस तरह से अगर हम इसको देखें कि इन जो चेहरों को, जो कुछ गिने चुने जिनको जानने वाले लोग हैं, उन चेहरों को लेके दे आर जस्ट बोरोइंग टैलेंट। चिराग पासवान जी के पास परेशानी यही है कि उनकी इच्छाएं, उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो सकती है, परंतु ग्राउंड लेवल पे उनका जो एक सपोर्ट बेस है लोक जनशक्ति पार्टी का, बहुत सिमटा हुआ है, बहुत कम पॉकेट्स में। तो उनको टैलेंट्स जो है ना, इस तरह के उनको बोरो करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको बोरो करना पड़ रहा है इन टैलेंट्स को। और और आप उनका देख, भी मुझे ना लोजपा को लेकर एक चिंता और है कि लोजपा बहुत दिनों से, बहुत सालों से, 2-3 इलेक्शन, 4 इलेक्शन से बिहार में जो है वो सभी सीटों पे चुनाव नहीं लड़ी है, बहुत सीमित सीटों पे वो लड़ती रही है। ऐसे में क्या उनके पास इतने कैंडिडेट भी होंगे जितनी महत्वाकांक्षा चिराग पासवान पाले हुए हैं? बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं कि ना उनका पार्टी का वो स्ट्रक्चर है कि आपको हर जगह पर उनका प्रेजेंस हो, स्ट्रांग प्रेजेंस इलेक्शन लड़ने के लिए, और ना ही आपने वहां पे आपके जो फुटप्रिंट्स वहां पे गए, राइट, चाहे वो इलेक्टरली हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनली हो। अब सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करने वाले लोग आपको हर जगह हर पार्टी के मिल जाएंगे। मुझे ये भी आश्चर्य नहीं होगा अगर मुझे पता चले कि एक ही व्यक्ति 2-3 पार्टियों के लिए ट्वीट करता हो, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, व्हिच इज पॉसिबल। सोशल लेकिन मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट आजकल हर हाँ कंपनी हायर करती है। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशनली कहीं नहीं गए हो, किसी ब्लॉक में आपके ऑर्गेनाइजेशन ने वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के लिए कोई हंगामा नहीं किया हो, और या लोगों के लिए कोई संघर्ष नहीं किया हो, जमीन पर ना उतरे हो, तो फिर हर जगह पर अपना प्रेजेंस क्रिएट करने के लिए आपको या तो एक पैन बिहार इमेज चाहिए, जिसमें अब जैसे अभी जो बिहार में है कि इलेक्शंस के विषय में आप किसी गांव में ही बात करें तो हालांकि लोग कहते हैं कि विधानसभा चुनाव में, और सच ही कहते हैं कि कई बार लोकल इश्यूज काफी महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु सबसे ऊपर तो निश्चित रूप से ये होता है कि आप किसको दे रहे हैं वोट। सीधी बात होगी कि नीतीश कुमार जी को देना है या तेजस्वी यादव जी को देना है। तो उस लिहाज से उस लेवल पर चिराग पासवान जी का नाम दिखता नहीं है आज की स्थिति में, राइट। उनके पार्टी उनको, उनकी पार्टी उनको चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बना रही है, लोगों को बोल रही है कि हाँ बिल्कुल वो चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, और जब आप बातें कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि नहीं, लोजपा भाजपा सरकार बनेगी और भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा। तो कई बार मेरे को लगता है कि कहीं ये बीजेपी का प्लान बी तो नहीं है, और बहुत ना लोग ऐसा मुझ कह रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। और अगर बीजेपी का प्लान बी नहीं है तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों? अगर आपको अपने आप को सिद्ध करना है, या अचानक आप अपने पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, यू आर वेरी राइट, आपको पूरा हक है ऐसा सोचने का, तो फिर आप 125 क्यों यहाँ लड़ेंगे? पे थोड़ा सा ना एक और चीज पे डिस्कशन कर लेते हैं कि लोजपा को देने के लिए अलग क्या है बिहार में जो वो ऑफर कर रहे हैं। वो तो ऑलरेडी भाजपा नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी ऑफर कर रहे हैं, नया क्या है उनको देने के लिए बिहार में? बिहार को वो कह तो रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन नया क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। अनफॉर्चुनेटली, या सबसे आयरॉनिकल पार्ट ये है कि ऐसे रेलेवेंट क्वेश्चंस पे बातें कम हो रही हैं। अभी हाल में जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं श्री अशोक चौधरी, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करा जिसमें था कि चिराग पासवान किस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा प्रसारित या प्रपोज्ड 7 निश्चय योजना का तारीफ कर रहे हैं, और उस छोटे से वीडियो क्लिप में चिराग पासवान ऐसा कहते दिखते भी हैं और मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते भी दिखते हैं। आज चिराग पासवान और उनकी पार्टी इसी 7 निश्चय योजना के विरुद्ध बोल रही है, इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बता रही है। इशू है कि अगर आप 7 निश्चय को के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो आपके पास देने के लिए क्या है? जहां तक चिराग पासवान का कहना है कि उन्होंने ऐसा एक विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कराया है, अरे और तो उस पब्लिक के विजन, सामने तो रखिए विजन डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक भी देखे कि आपके पास है क्या। तो या तो उन्होंने ये विजन डॉक्यूमेंट पब्लिक के सामने नहीं रखा है, और अगर रखा है तो इतने अंडर प्ले किया है उस चीज को, तो कम से कम उन्होंने ऐसी कोई अपने आप की इतनी बड़ी लकीर खींच के नहीं दिखाई जिससे साबित हो सके कि वो जदयू से ज्यादा बेहतर शासन दे सकते हैं। देखिए ऋतुराज, सोचना और अपनी सोच को लोगों तक पहुंचाने, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप दिल्ली में बैठ के, या चाहे जो भी कारण है, आप अभी भी दिल्ली में हैं और वहां से अभी तक आप बिहार आए नहीं। ऑफ कोर्स वो आएंगे बिहार, और 28 तारीख के चुनाव के पहले निश्चित रूप से कुछ कैंपेन भी करेंगे,
परंतु मुझे लगता नहीं है कि अगर आपके मन में कोई चीज है और उस चीज को आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सके कि आप नया क्या दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जनता के दिलों में ये सवाल तो रहेगा, ये सवाल भी रहेगा। दूसरा मेरा ये सवाल था कि जब आप अपने आप को 2025 में, जैसा कि कई जानकार मानते हैं कि 2025 के लिए चिराग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो भाई आप सिर्फ 124 या 125 या जो भी जनता दल यूनाइटेड लड़े 122 सीटें, जनता दल यूनाइटेड प्लस यानी जेडीयू प्लस मांझी जी मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, तो आप सिर्फ 122 पर क्यों लड़ेंगे? आप 243 क्यों नहीं लड़ रहे हैं? हाँ, आप अपना स्ट्रेंथ पूरे बिहार में आजमाइए। आप पूरे बिहार में आजमाइए, तो क्या आप डबल गेम तो नहीं कर रहे हैं कि एक तरह से आपकी इच्छा है कि भाई हम अपने आप को एक्सपैंड करें और प्रोजेक्ट करें, और साथ ही साथ केंद्र में जो भाजपा सरकार है उसको भी नाराज ना करें? तो कहते हैं ना, चित भी मेरी पट भी हाँ, मेरी। तो ये थोड़ा मुश्किल सिचुएशन है, ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और इससे जनता को आप कंफ्यूज कर देंगे। प्रॉब्लम उनके लिए एक और है, बिहार की जनता कंफ्यूज होती नहीं है ऋतुराज। यहाँ के लोगों का एजुकेशन स्टैंडर्ड, लिटरेसी चाहे जो हो, ऑफकोर्स नेशनल एवरेज से थोड़ा कम हो सकता है, परंतु ये जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, मुझे लगता है नेशनल एवरेज से ऊपर होगा अगर कोई इसका मानक है तो। यहाँ की जनता कंफ्यूज नहीं होती, उनको क्लियर दिखता है गेम प्लान्स। जो और जर्नलिस्ट इन्होंने, हैं, वहां की जनता ने पिछले 30 साल में ये साबित भी किया है, एक बार को छोड़कर, कि बिल्कुल जिसके साथ हैं पूरी तरह उसके साथ हैं। पूरी तरह उसके साथ है। इसलिए जो यहाँ के जानकार हैं वो बताते हैं कि 15 दिन देखिए देखिए 15 दिन में हम आपको बता देंगे कि इलेक्शंस जा किधर रहा है, राइट? तो इसीलिए जनता कंफ्यूज नहीं होगी, अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो एक अलग बात है। मुझे यही लगता है कि ऑल इन ऑल लोजपा की जो स्ट्रैटेजी है अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट मुझे लगता है उसका मींस और उनमें उनका प्रिपरेशन लेवल ये थोड़ा सा कम है, एडवेंचरिज्म ज्यादा है, और महत्वाकांक्षा जब थॉट प्रोसेस के ऊपर चली जाती है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होने की संभावना थोड़ी सी कम होती है। आप और कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, बट उसका कितना सक्सेस आपको मिलेगा, उसका रिजल्ट कितना आपके लिए पॉजिटिव होगा, दैट इज एन ओपन क्वेश्चन। बिल्कुल, हर पार्टी को, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि उसका एक्सपेंशन हो, उसके पास अधिक से अधिक विधायक हो और वो ज्यादा पावरफुल रूप से सत्ता में दिखे या नजर आए। बिल्कुल शुक्रिया अमिताभ जी आज के बातचीत के लिए। आज हमने बात की लोजपा पे और बिहार की राजनीति में जो लोजपा कर रही है, या लोजपा के जरिए बहुत लोग कह रहे हैं जो किया जा रहा है, हमने इस बिल्कुल पे बात की, और इसका नफा नुकसान किसे होगा, लोजपा को इससे क्या हासिल होगा, और लोजपा के पास लोगों को देने के लिए नया क्या है, इन बिल्कुल सारे आयामों को हमने कवर किया आज डिस्कशन में। आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला और इस डिस्कशन में हिस्सा लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा बहुत शुक्रिया आपका। लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें radio@aajtak.com पर। शुक्रिया।